हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मेमोरेंडम वाउचर का। आज देखते हैं हम एग्जांपल के साथ कुछ प्रैक्टिकल, कैसा एग्जांपल जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, ये वाला कि मेमोरेंडम वाउचर है, हम बायर है, एंट्री किसमें करेंगे, मेमो वाउचर में। मनोज जो है हमारा वर्कर है और राम को हमें पैसे देने हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पर वापस आते हैं टैली प्राइम पर। तो एग्जाम्पल समझते हैं सबसे पहले कि राम एक क्रेडिटर है जिसे आप गुड्स खरीदते हैं, आप उसे पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन पेमेंट करने के लिए हम मनोज की हेल्प, हम मनोज हमारे साथ काम करता है, तो हमने मनोज को बोला कि तुम उसे जाकर पैसे दे दो राम को। तो अब पैसे मनोज को दे रहे हैं हम और मनोज जाकर राम को देगा, तो ये तो आपको समझ आया। लेकिन अब बात यह है कि हम एंट्री कब करेंगे कि मनोज को पैसे देंगे या फिर मनोज राम को पैसे देगा तब एंट्री करते हैं। तो अगर हम पेमेंट से पहले एंट्री कर देते हैं, अगर किसी वजह से मनोज राम को पैसे नहीं दे पाया और उसने अपने पास रख लिए तो प्रॉब्लम होगी। अगर इंतजार करेंगे कि मनोज राम को वापस आने पर हम फिर शायद एंट्री करना भूल सकते हैं, तो इससे इश्यू आ जाएगा हमारे अकाउंटिंग में, ठीक है। तो जिसे तो तब हम याद रखने के लिए छोटी सी एंट्री करते हैं, किसमें, मेमोरेंडम वाउचर में करते हैं, जिसे अगर हम बाद में पेमेंट की एंट्री यदि भूल जाते हैं तो मेमोरेंडम वाउचर से चेक कर सकते हैं और याद आने पर हम मेमोरेंडम वाउचर को हटाकर पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी एग्जांपल के साथ हम आज प्रैक्टिकल समझेंगे, ठीक है। तो अब है मनोज का नाम हमें लिखना है किसमें, लेजर बनाते हैं सबसे पहले। तो क्रेट पर आएंगे, लेजर किसका बनाना है, मनोज, ठीक है। मनोज को हम कौन से ग्रुप में रखेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में रख देते हैं, ठीक है, और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे, या फिर हम वहां से डायरेक्ट बनाएंगे तो ऑल्ट सी। अब मनोज के सामने हमें यहाँ पर आते हैं वाउचर्स पे और यहाँ पर हमें क्या करना है, F10 पर प्रेस करेंगे, मेमोरेंडम वाउचर को ओपन करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर मनोज का जो अकाउंट है इसको लेजर को ओपन किया। अब मनोज के डेबिट के सामने हमें क्या लिखना है, मान लीजिए 5000 हमने मनोज को दिए हैं, ठीक है, और दूसरे अकाउंट में हम किसको चुनेंगे, यहाँ पर कैश को कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये 5000 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास पहले से कैश पड़ा था इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम एंड में क्या करेंगे, इस एंट्री को ऐसे ही सेव कर लेते हैं। तो ये एंट्री हो गई है सेव। तो अब आप समझिए, अगर मनोज आकर यह बताता है कि उसने राम को भुगतान कर दिया है, मतलब कि राम को उसने पेमेंट कर दी है, और आप मेमोरेंडम वाउचर को पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो मेमोरेंडम वाउचर है अब हम इसको किस में चेंज कर देंगे, पेमेंट वाउचर में चेंज कर देंगे। बट हमें इससे पहले कुछ चीजें समझनी होंगी। आपने अभी तक क्या देखा इस वाली एंट्री में, कि हमने मनोज को पैसे दिए, मनोज ने वो जो पैसे देखे, यहाँ पे फिर से जीरो हो गया, मनोज को पैसे दिए, मनोज को पैसे किस लिए दिए, ताकि वो क्रेडिटर जो है जिससे हमने सामान खरीदा था उसको जाकर राम को वो पैसे दे दे। तो हमने मनोज को कितने पैसे दिए, 5000 रुपए दिए, ठीक है, कि 5000 तुम राम को जाकर दे देना। तो ये एंट्री हो गई उस वक्त की जब हमने मनोज को पैसे दिए हैं, इसलिए मेमोरेंडम में इसको याद रखने के लिए हमने बनाया है। तो इस एंट्री को कन्वर्ट करने से पहले आपको कहाँ जाना होगा, देखिए एक चीज बताती हूँ, बैक करते हैं यहाँ से, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएंगे, एंटर करेंगे। अब इसमें क्या है, यहाँ पर एक्सेप्शनल रिपोर्ट है, ये रहा एक्सेप्शन रिपोर्ट, इस पर जाएंगे, इसमें मेमोरेंडम रजिस्टर है इसको एंटर कर देंगे। तो इसमें देखिए अप्रैल में आपको एक शो हो रहा होगा यहाँ पर मनोज के 5000 रुपीज, तो ये वही वाली एंट्री यहाँ पर ओपन हो गई है, ठीक है। तो
तो आप, मैं एक तरीका बताया है कि आप यहाँ से भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप कहाँ से करेंगे? डायरेक्ट दो तरीके हैं, या तो आप वाउचर्स में जाके पेज अप करेंगे तो ये आ जाएगी, आप यहाँ से कर सकते हैं। बट आपको ये देखना भी है बाकी और कौन सा तरीका है। तो आप कहाँ पर आएंगे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आएंगे, एक्सेप्शनल रिपोर्ट पर आएंगे, मेमोरेंडम रजिस्टर पे एंटर करेंगे, और अप्रैल में आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि एक एंट्री हुई है जिसका इनवॉइस नंबर क्या है, सेकंड यहाँ पे देखिए वाउचर टाइप कैसा है, मेमोरेंडम, जो जितने भी एंट्रीज होंगे मेमोरेंडम की वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ज्यादा बेटर तरीका यही है, यहाँ पे लिखा भी है लिस्ट ऑफ ऑल मेमोरेंडम वाउचर, इस पर हम एंटर करेंगे। ठीक है, अब जो हमने एंट्री की थी अब उसको पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि मनोज आकर ये हमें बता रहे हैं कि उसने राम को पैसे दे दिए, मतलब कि पैसे उसके पास पहुंच गए, तो हम क्या करेंगे कि पेमेंट हो गई है, तो अब इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे? पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर आप देखिए साइड में ही F5 से आ जाएगा, तो फंक्शनल कीज में से या फिर माउस से यहाँ पर F5 आप प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर यहाँ पर ओपन हो गया है। तो पेमेंट किसको किया, अब यहाँ पे देखिए पेमेंट में क्या आ जाएगा कि पेमेंट जो है वो किसको गया है? राम को। तो यहाँ पे ऑल्ट सी से किसका बनाएंगे? राम। राम क्या है? क्रेडिटर था, और इसको एक सेकेंड, सन्ड्री क्रेडिटर, और इसको कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो गई? राम को 5,000 रुपए मिल चुके हैं। कैसे? बाय कैश। किसके थ्रू? मनोज के थ्रू। तो इसमें थर्ड पर्सन कौन था? मनोज था, और कैश को एंटर करके हम इसको सेव कर लेंगे, या फिर यहाँ पर लिख देते हैं कैश पेड टू राम। कितना कैश गया है? 5,000 रुपीज, और फुल स्टॉप लगा के कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए वो जो एंट्री थी मेमोरेंडम में से वो चली गई है। मेमोरेंडम में से वो क्यों चली गई? क्योंकि हमने उसकी पेमेंट कर दी, और पेमेंट कहाँ गई है अभी उसकी? देखिए पेमेंट वाउचर में आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि मेमोरेंडम में आएगा, मेमोरेंडम में एंटर करेंगे आपको एंट्री है ही नहीं क्योंकि वो वहां से चली गई है। अब हम उसको कैसे चेक करेंगे? अकाउंट्स बुक पे आएंगे, पेमेंट रजिस्टर में आएंगे, देखिए यहाँ पर वो एंट्री होगी। अगर आप इसको अभी ओपन करेंगे तो ये रही कि राम को 5,000 रुपए मिल चुके हैं। तो देखिए वही एंट्री है, बट वो खुद ही खुद यहाँ से हटके पेमेंट वाउचर में आ गई है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मेमोरेंडम वाउचर का यूज कैसे करते हैं। हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा है, और यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल इसका पार्ट भी देखा था। ठीक है, तो मेमोरेंडम वाउचर जो होता है आपने देखा कि वो एडवांस पेमेंट के लिए भी की गई है, और जो हमारे सस्पेंस अकाउंट जो हमें पता नहीं होता कि वो एक्सपेंसेस हमारे कहाँ होंगे, तो उनको भी याद रखने के लिए कहाँ पर डाल देते हैं? मेमोरेंडम वाउचर में डाल देते हैं। तो आप बेसिकली ये समझे कि मेमोरेंडम वाउचर में हम जब एंट्री करते हैं पहले एंट्री कर देते हैं जब हम पैसे उस पर्सन तक पहुंचे नहीं होते हैं। जैसे ही उस पर्सन तक पैसे पहुंच जाते हैं तब उसको पेमेंट या जो भी है रिसीट पेमेंट की एंट्री करके उसको वो खुद ब खुद पेमेंट में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा मेमोरेंडम वाउचर यूज कैसे होता है। और इसका हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया है। ठीक है, तो बैक करते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर डे बुक में भी इसको चेक करेंगे ना, एक सेकेंड, डे बुक में, तो डे बुक में भी यहाँ पर क्या है? राम पेमेंट और रिसीट, मेमोरेंडम आपको कहीं भी अभी शो नहीं होगा। तो अगर आप अभी अपना कैश चेक करेंगे, आपको कैश चेक करा देती हूँ मैं,
देखिए, अगर आपको कैश चेक करना है तो कितना है उतना का उतना ही कैश। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आके आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे नेट प्रॉफिट कुछ नहीं है क्योंकि वो जो एंट्री थी वो हमने पे कर दी है। ठीक है, तो टॉपिक हो गया है कंप्लीट मेमोरेंडम वाउचर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।